तो पहले चरण के लिए मतदान लगातार जारी है और मतदान के मद्देनजर भारी सुरक्षा के इंतजाम किए जा चुके हैं। और हम आपको बता दें कि पहले चरण के लिए 9 जिलों में मतदान जारी है। सभी जिलों में अब तक 26.1% मतदान हो गया है। नू की बात करें तो सबसे ज्यादा 32.3% वोटिंग हुई है और पंचकुला की बात करें तो 30.4% वोटिंग। भिवानी में अब तक की सबसे कम 21.6% मतदान। 9 जिलों के 61 ब्लॉक में 1453 सीटों के लिए मतदान हो रहा है और लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा वोटिंग जो है वो नू में हुई है। हालांकि नू जो है वो पिछड़ा जिला है, लेकिन लोगों में काफी उत्साह देखा गया। जो लोगों के मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे, उनको लेकर जो है लोगों में काफी जोश नजर आया और वोटिंग करने के लिए लोग जो है मतदान केंद्रों तक पहुंचे। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम जो है वो प्रशासन द्वारा किए गए। तो 9 जिलों में चुनाव और भिवानी में अब तक का सबसे कम पहले चरण के लिए 9 जिलों में मतदान लगातार जारी है। और आप सूर्य समाचार में सुबह से लगातार कवरेज देख रहे हैं और हम आपको एक एक पल की खबर बता रहे हैं। पल पल का अपडेट हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए आप बने रहिएगा सूर्य समाचार के साथ लगातार। पंचकुला की बात करें तो 30.4% वोटिंग। और हमारे साथ हमारे संवाददाता नू से जुड़ चुके हैं इस वक्त नीरज, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। नीरज, क्या हालचाल नू के और किस तरह का मतदान हो रहा है, कितने प्रतिशत वोटिंग हो गई है? जी बिल्कुल, अगर देखिए हम नूह की बात करते हैं तो नूह में भी आज 9 जिलों के साथ साथ जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव हैं और ऐसे में सुबह से लगातार मेवात में मतदान हो रहा है। और अब तक के फिलहाल बात करें तो पूरे प्रदेश भर में सबसे ज़्यादा अगर मतदान कहीं हुआ है तो नूह में है। और फिलहाल मतदान के एवरेज की बात करें तो 30% मतदान पूरा हो चुका है। और मेवात और नूह की बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ महिलाएँ जो मतदाता थी वो बड़ी संख्या में अपने घरों से बाहर निकल कर आई। और सुबह से हम लगातार दिखा रहे हैं कि नूह की धरती पर लगातार जो महिलाओं की भागीदारी थी, क्योंकि ये लोकतंत्र का एक पर्व माना जाता है और ऐसे में छोटी सरकारों का आज चुनाव है। छोटी जो सरकार है या फिर अपने जो लोकल मुद्दे हैं जिस लेवल पर पूरे हो सकते हैं उनको चुनने का आज कहीं ना कहीं लोगों के पास सुनहरा अवसर है। और लगातार लोगों से जिला प्रशासन के साथ साथ सरकार और तमाम जो है चुनाव आयोग। नीरज, बात करूंगी, 22 जिलों में सबसे पिछड़ा ये जिला है, लेकिन जिस तरीके से मतदान लोगों ने किया है, उत्साह लोगों में नजर आ रहा है। किन किन मुद्दों को देखकर जो है वोट किया जा रहा है, कौन से बड़े मुद्दे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि पूरी प्रदेश भर में सबसे पिछड़ा हुआ जिला मेवात माना जाता है। और ऐसे में यहाँ ना के यहाँ सड़कें, गड्ढे, तमाम समस्याएं हैं। और अब तक अगर मेवात की हम बात करें तो मेवात के विकास को लेकर लगातार यहाँ के लोग सरकार से गुहार लगाते रहे हैं, लेकिन मेवात हमेशा से पिछड़ा हुआ रहा है। और इस बार लोगों ने ठाना है कि छोटी सरकार के जरिए बम्पर वोटिंग इस बार लोग करेंगे और इस बम्पर वोटिंग का असर ना केवल इन चुनावों में बल्कि विधानसभा के जो चुनाव है आने वाले उनमें भी देखने को मिलेगा। और लगातार लोगों की यही कोशिश है, जो मेवात का विकास रुका हुआ है पिछले कई सालों से, लगातार जो मेवात है वो पिछड़ा इलाका है, तो इस बार वो मेवात पिछड़ा इलाका ना बने बल्कि अपने वोट की चोट के जरिए इस सरकार और प्रशासन तक दिखाना चाहते हैं कि जब लोग बड़ी संख्या में वोट करते हैं तो फिर क्यों ना उनके मुद्दों को उठाया जाए, क्यों ना उनकी समस्याओं को हल किया जाए। इस तरह के तमाम मुद्दों को लेकर लोग जो है लगातार सुबह से लंबी कतारों में खड़े हुए हैं, अपने वोट का प्रयोग कर रहे हैं। और आज जो है वोट की ताकत के जरिए ही नेता अपनी जीत तक पहुंच पाता है और यही कोशिश लगातार यहाँ के लोग कर रहे हैं। महिलाओं की बात करें तो महिला यहाँ सबसे ज़्यादा वोटर है और अगर महिलाओं की वोट परसेंट की बात करें तो 50% से ज़्यादा महिलाएं अपने वोट का प्रयोग पूरे मेवात में या फिर पूरे नूह के जिले के 794 बूथों पर कर चुकी है। तो लगातार जो संख्या है लोगों की, क्योंकि जिस तेज़ी के हिसाब से यहाँ मतदान हो रहा है उसी तेज़ी के साथ लोग भी घरों से निकल कर आ रहे हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हो कि किस तरह से अभी भी लोग जो है वो लंबी कतारों में हैं, अपने वोट का इंतजार कर रहे हैं। और इनमें जो है ज़्यादातर महिलाएं भी हैं, क्योंकि महिलाओं से जब हमारी सुबह बात हुई थी तो उन्होंने साफ कहा था कि घर का खाना पीना बाद में बनेगा, खाना पीना बाद में होगा, पहले वो वोट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आज लोकतंत्र का एक ऐसा पर्व है और ऐसे पर्व में हर कोई हिस्सा लेना चाहता है। आप ग्राउंड जीरो पे मौजूद है, लोगों से आपने बात भी की है, क्या इन चुनावों का असर जो है वो 2024 के चुनावों में देखने को मिलेगा, जो विधानसभा के चुनाव प्रदेश में होंगे?
जी बिल्कुल, देखिए अगर खासकर हम नूह की बात करें तो बिल्कुल इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। और 2024 की तैयारी में अभी से बीजेपी ने अपनी सियासी जमीन को तलाशना शुरू कर दिया है, क्योंकि इस बार जिन 9 जिलों में आज चुनाव हो रहे हैं उनमें से एक मेवात है, और मेवात में बीजेपी जिला परिषद के तमाम 25 वार्डों पर अपने सिंबल पर लड़ रही है, कमल के चुनाव पर लड़ रही है। क्योंकि बीजेपी की एक यहाँ कहीं ना कहीं कमजोरी भी है, क्योंकि अब तक बीजेपी के खाते में एक भी विधानसभा की सीट मेवात वासियों ने नहीं दी है, और यही कारण है कि अब बीजेपी को लगता है कि यहाँ के लोकल जो नेता है उनको टिकट थमाना होगा और उन नेताओं को एक बड़ा नेता बनाना होगा, और तभी कहीं जाकर बीजेपी की नैया जो है मेवात से पार कहीं ना कहीं हो सकती है। और यही कारण है कि लगातार बीजेपी, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।